हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल रेशूज मैजिक। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल शाही वेज पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही शाही वेज पुलाव बनाएंगे। इसे हम वन पॉट रेसिपी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक बर्तन में ही कंप्लीट फूड बनता है हमारा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को और जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। शाही वेज पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिलास चावल। आप अपने हिसाब से चावल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितना चावल लेंगे उसका डबल आपको पानी लेना होगा। तो पुलाव बनाने से पहले हमें इसे 20 मिनट पहले भिगो के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख लिया था चावल को। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे के इंग्रेडिएंट्स को। चूंकि ये वेज पुलाव है तो यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह की सब्जियाँ ली हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज, इसे मैंने पतले लंबे स्लाइस में काट लिया है। एक मीडियम साइज गाजर को काट लिया है, शिमला मिर्च लिया है, गोभी लिया है, कच्चा केला लिया है, फ्रेंच बीन्स लिया है, आलू लिया है। इन सब को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा मटर लिया है। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद के अनुसार इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे। तो मसालों में हमें चाहिए 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच शाही जीरा। अगर शाही जीरा ना हो तो आप नॉर्मल साबुत जीरा भी ले सकते हैं। कुछ किशमिश के दाने, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। 1 तेज पत्ता और कुछ काजू के टुकड़े, इसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल करूंगी ताकि पुलाव में कुछ कलर आ सके। तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच हल्दी लेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इसके अलावा हमें चाहिए घी। शाही वेज पुलाव घी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो रिफाइंड के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों का इस्तेमाल करूँगी, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और रिफाइंड हम यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। अब हम इसमें घी डाल लेंगे और 2 चम्मच जैसा रिफाइंड तेल डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में सारे साबुत गरम मसाला डाल लेंगे और इसे हल्का क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम धीरे धीरे सब्जियां डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फूलगोभी डाल रही हूँ। इसे हम 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी की सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पे मैं कच्चा केला, बीन्स, गाजर और आलू डालकर इसे मैं कुछ देर भून लेती हूँ। शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हरा मटर डालकर इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन कलर ना हो जाए। हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम हल्दी, काली मिर्च, जीरा का पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे थे। उसे हम छान लेंगे और चावल को इसमें ऐड करेंगे और उसे हमें अभी 5 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था वो डाल लेंगे। इसे हमें चलाते हुए 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी हमें यहाँ पे 2 गिलास डालना है क्योंकि हमने चावल 1 गिलास लिया था। तो पानी डालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें हल्का गर्म डालना है। पानी हमें ठंडा या फिर नॉर्मल नहीं डालना है।
इसे हमें हल्का गर्म ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर हम सब्जी भूनते समय डाल लेंगे तो सब्जी हमारा तुरंत पकना और गलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम नमक को लास्ट में डालेंगे। तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से हम ढककर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुका है तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब तरफ से और इसे हम 4-5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये अब हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ये चावल हमारा बिल्कुल अलग अलग ही है, बिल्कुल चिपका नहीं है एक दूसरे से, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हुआ है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे 5 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही वेज पुलाव बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के पुलाव के जैसा ही लगता है। इसे हम वन पॉट रेसिपी भी बोल सकते हैं क्योंकि वन पॉट में ही सारा फूड इसमें है। हम इसे रायते के साथ खा सकते हैं, चाहे वो दही का रायता हो, चाहे वो सैलेड रायता हो। इसे हम वन कंप्लीट मील भी बोल सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।